नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में एक बार फिर नाव हादसा हुआ है। 14 लोगों से भरी हुई नाव गंडक नदी में पलट गई। एक शव बरामद हो चुका है जबकि 4 लोगों की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम 2 टीमें लगाई हैं। बिहार में फिर हुआ बड़ा हादसा, गंडक नदी में डूब गई नाव, एक शव बरामद, 4 लोगों की तलाश। गंडक नदी में नाव हादसे के बाद यहां भीड़ जमा है। गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण सीट पर भगवानपुर दियारा में यह घटना हुई है। एक शव बरामद हो चुका है और 4 लोगों की तलाश की जा रही है, बाकी लोग बचाए जा चुके हैं। इस समय हम भगवानपुर में मौजूद हैं, भगवानपुर के उस दियारे में मौजूद हैं जहां पर नाव हादसा हुआ है, और जिस हम नाव में खड़े हैं उसी नाव से हादसा हुआ है। हम दिखा रहे हैं, इस पर तमाम लोग हैं और बेतिया डीएसपी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, एसडीपीओ भी, और यही वो दियारा है जो हम सामने दिखा रहे हैं। इस दियारे में जब ये नाव ट्रैक्टर ट्राली लोड करके और इस पर जो किसानों से भरी हुई थी ये नाव, तो आगे जाके ट्रैक्टर जो है उससे लुढ़क गया है, जिसके वजह से हादसा हुआ है। नाव पर ट्रैक्टर भी ले जाया जा रहा था, अचानक किसी ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया जिसके बाद ये हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई है। कि एक ट्रैक्टर जो है इस नदी, गंडक नदी है भगवानपुर में और नौतन प्रखंड है, यहाँ पे एक नाव को इस पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और बता रहे हैं कि शायद म्यूज़िक का डेक शुरू करने के लिए जैसे ही चाबी उन्होंने वो किया ड्राइवर ने, तो अचानक गाड़ी गियर में थी और वो जंप कर गई किनारे से। कितने लोग, तो उसमें 14 लोगों के बारे में बताया गया कि टोटल लोग थे, जिसमें से 4 लोग मिसिंग हैं, उनके लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। 2 लोगों को जो निकाला गया था उनको तत्काल यहाँ गोपालगंज, चूँकि बिल्कुल पास है, तो हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, वो हम लोग गोपालगंज एडमिनिस्ट्रेशन से उसके बारे में पता कर रहे हैं। बिहार में अक्सर नाव हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा कोई इंतजाम नहीं दिखता जिससे हादसे थम सकें। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया।